सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से कर्नाटका में एक प्रो पीपल बजट बुक रिलीज कर गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका को यह बताया गया है जनता के हित में बजट कैसा होना चाहिए। अक्सर हम और आपने देखा है किस तरह से गवर्नमेंट शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड क्लास और माइनॉरिटीज़ के लिए तैयार की गई स्कीम्स को आहिस्ते आहिस्ते ख़त्म कर रही है। 14 फरवरी यानी मंडे को कर्नाटका चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई की जानिब से बजट अनाउंस होने जा रहा है और SDPI की जानिब से जनता प्रो बजट बुक रिलीज कर गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से डिमांड करते हुए कहा 2022 का बजट जनता के हक में होना चाहिए। इस बुक के जरिए SDPI ने फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ केयर, अनएम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्री और वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर, पीस एंड हार्मनी, लेबर वेलफेयर, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्टेशन, टैक्स पॉलिसी, कॉरपोरेशन बोर्ड और दीगर तमाम डिपार्टमेंट के बजट को बड़े ही खूबसूरती से तैयार कर चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका के सामने पेश कर इंप्लीमेंट करने की मांग की है। और गुलबर्गा से SDPI लीडर अली मिलाही और प्रोफेसर सैयदा सादिया जी ने प्रेस मीट कर प्रो पीपल बजट के फ़ायदे और तफसीलात बताई हैं। अगर आप इस प्रो पीपल बजट की डिटेल्स जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। आज गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में SDPI की तरफ से हम एक बहुत ख़ास और बहुत ही अहम इशू के ऊपर एक प्रेस मीट कर रहे हैं। ये इशू जो है वो आपके बजट को लेकर है, कर्नाटका बजट, जो कि आपके चीफ मिनिस्टर जो हैं बसवराज बोम्मई पेश करने वाले हैं। इस बजट को लेकर SDPI ने ज़मीनी सतह पर एक रिपोर्ट तैयार की है, जो रिपोर्ट जो है वो बहुत ही जिसे कहना चाहिए कि मुख्तसर तरीके से लेकिन बहुत जामे तरीके से बनाई गई है। ये बजट रिपोर्ट कन्नड़ा, इंग्लिश और उर्दू तीनों लैंग्वेजेस में प्रिंट की गई है और इसके ऊपर हम आज थोड़ा सा तफसील से बात करेंगे कि हमारी SDPI की क्या डिमांड है इस बजट को लेकर कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर से। देखिए, बजट जो है वो आम आदमी के लिए और आम आदमी की ज़िंदगी से रिलेटेड सोशल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट और ख़ास इशू होता है। तो इस रिपोर्ट में जो हमने तैयार किया है सर्वे करके और काफ़ी बेहतरीन तरीके से हमने अपना होमवर्क किया है, हमने इसमें एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, इंटरेस्ट फ्री लोन और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो हमने डिमांड में रखी हैं। मैं बात शुरू करूंगी तालीम और एजुकेशन के शोबे से जुड़े हुए कुछ इश्यूज़ के साथ। इस बजट को लेकर हमारी डिमांड है कि कम से कम 30,000 करोड़ रुपए एजुकेशन के या तालीम के इदारे को इशू होने चाहिए इस आने वाले बजट में। और इस 30,000 करोड़ रुपए की जो डिमांड की जा रही है उसमें प्राइमरी से लेके हाई स्कूल तक का इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें कि वो बिल्डिंग्स भी शामिल हैं जिनकी हालत काफ़ी खस्ता हो चुकी है, उसके बाद हाइजीन का ख्याल रखते हुए स्पेशली गर्ल्स स्कूल में टॉयलेट वगैरह के इंतज़ामात या जहाँ पे ये फैसिलिटीज़ नहीं है वहाँ पे ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराना, उसके बाद रूरल एरियाज़ में मिनिमम कम से कम एक डिग्री कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर होना, ऐसे कॉलेजेस जो माइनॉरिटी के लिए होते हैं जैसे कि हम कहें कि MBBS या इंजीनियरिंग के कॉलेज, इनका एक डिस्ट्रिक्ट में मौजूद होना, उसके बाद न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है उसको लेकर भी हमने इसमें एक अपनी डिमांड जो है उसको इंक्लूड किया है। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी हम डिमांड करते हैं, हम्बल रिक्वेस्ट करते हैं कि ये कतई तौर से इम्प्लीमेंट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से इस पॉलिसी, इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी को बनाया गया है, डिज़ाइन किया गया है, वो कतई तौर से हमारे सोशल और पॉलिटिकल जो मतलब के हमारा सेक्शन है उसको सूट नहीं होती है। तो ये हमारी कुछ डिमांड जो है तालीम को लेकर है। उसके बाद उर्दू ज़ुबान के फ़रोग के लिए हमारी डिमांड है इस बजट में कि एक उर्दू यूनिवर्सिटी कायम की जाए, जिसके लिए हम चीफ मिनिस्टर से ख़ास क्या कहते हैं कि एक लिमिटेड अमाउंट चाहते हैं जो कम्प्लीटली सिर्फ जो है उर्दू यूनिवर्सिटी के लिए रखा जाए और उस पैसे को सिर्फ उर्दू यूनिवर्सिटी के लिए ही यूज़ किया जाए ताकि उर्दू ज़ुबान को फ़रोग मिले। इसके अलावा अमेरिकन मॉडल पर टीपू सुल्तान के नाम से एक एयरोस्पेस
और या एरोनॉटिकल एक हम चाहते हैं कि रिसर्च सेंटर कायम हो। इसके अलावा कुछ इस तरह की लेबोरेटरीज जो फ्री ऑफ कॉस्ट हो हमारे डिग्री और पीजी के बच्चों के लिए जो टेक्निकल एजुकेशन हासिल करते हैं ताकि वो अपने स्किल्स को बढ़ा सकें, एबिलिटी एनहेंस कर सकें। इसके अलावा हमने जो है हेल्थ को लेकर भी इस बजट में एक बहुत ही अहम मुद्दा जो है वो चीफ मिनिस्टर के सामने डिमांड में रखा है कि मुफ्त सेहत की सहूलतें फराहम की जाएं। ख़ास तौर से हमारे रूरल एरियाज़ जो हैं, विलेज एरियाज़ या रिमोट एरियाज़ जो हैं, वहाँ पर एक पॉली क्लिनिक कम से कम हम चाहते हैं कि मौजूद हो। इसके अलावा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स की भी हमने इसमें डिमांड रखी है। हर गांव के एक कम से कम पंचायत की हद में एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर खोला जाए। इसके अलावा पसमानदा तबकात के लिए बैकवर्ड कम्युनिटीज़ जो हैं, जिसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब शामिल हैं, या वो कम्युनिटीज़ जो अंडर रिजर्वेशन आती हैं, उनके लिए भी हमने कुछ डिमांड्स रखी हैं कि किस तरीके से उनका सोशल और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हो सकता है। स्पोर्ट्स की भी एक डिमांड हमारी है कि स्कूलों में इस तरह के या इंफ्रास्ट्रक्चर जो है प्राइमरी और हायर प्राइमरी जो स्कूल बिल्डिंग्स होती हैं उसमें ऐसे ग्राउंड्स होने चाहिए जिसमें जो है बच्चे कम से कम बेसिक लेवल के जो खेल और स्पोर्ट्स होते हैं उनसे इस्तेफादा हासिल कर सकें। इसके अलावा हम चाहते हैं कि ऐसे अफसरान के खिलाफ कार्रवाई हो, ये भी हमारी एक डिमांड है, जो मतलब के स्पेसिफिक जो भी हमको अमाउंट रिलीज़ होता है किसी भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड, उसको उसी डिपार्टमेंट पे खर्च ना करके उसका इस्तेमाल किसी दूसरे डिपार्टमेंट्स में कर देते हैं, या जो कुछ भी पैसा या बजट में जो कुछ भी पैसा रिलीज़ किया जाता है डिपार्टमेंट्स के नाम पर या स्पेसिफिक फील्ड्स के नाम पर, वो पूरी तरीके से उन पर खर्च नहीं होता है। तो इस तरह के अफसरान के ख़िलाफ़ हमारी डिमांड है कि पूरी जांच करके उनके ख़िलाफ़ एक्शन होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह का बजट प्लान होकर हमारे सामने आता है, ये तकरीबन ये जो बजट होता है इसमें हर डिपार्टमेंट, हर फील्ड से रिलेटेड, हर शोबे से रिलेटेड जो पैसे गवर्नमेंट की तरफ से बताए जाते हैं, दिए जाते हैं, अगर वो पूरे के पूरे उसी तरीके से उनकी नशोनुमा के लिए खर्च किए जाएं, तो ये काफ़ी हद तक आम लोगों के लिए बेनिफिटेड होगा, उनसे वो इस्तेफादा हासिल कर सकेंगे। लेकिन बीच में जो ये करप्शन आ जाता है इसकी वजह से तमाम प्लानिंग जो है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है। ये जो बजट है टोटली पूरे स्टेट का बजट है, जो हम लोगों ने तकरीबन एक महीने से इसके ऊपर रिसर्च की, रिसर्च कर इसके ऊपर प्लानिंग करते हुए इसको तैयार किया है। तो इसके अंदर तीन पॉइंट्स तो मैडम बताए हैं, इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ माइनॉरिटीज़ कर्नाटक की जो सबसे बड़ी आबादी है, कर्नाटक के अंदर टोटल 7 करोड़ की आबादी के अंदर जहाँ पर 1 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान रहते हैं और माइनॉरिटीज़ रहते हैं, तो वहाँ पर हमारा डिमांड हमेशा से है कि 10,000 करोड़ हमारा माइनॉरिटीज़ का बजट होना चाहिए। उसके अलावा तो ये जो स्कॉलरशिप दी जा रही है प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक मेरिट कम, जिसमें कटौती की गई है, इसको इमीडिएटली रोक कर इसके अंदर डबल स्कॉलरशिप देना चाहिए, और इंटरेस्ट फ्री लोन KMDC जो लोन आता है वो इंटरेस्ट फ्री लोन देना चाहिए और डबल करना चाहिए उसको। और हम लोगों का डिमांड है कि उर्दू यूनिवर्सिटी कायम किया जाए पूरे नॉर्थ ईस्ट कर्नाटका के अंदर, उर्दू यूनिवर्सिटी कायम किया जाए और उर्दू के डेवलपमेंट के लिए काम किया जाए और उर्दू एकेडमी फॉर्म किया जाए। उसके अलावा कन्नड़ा और उर्दू गवर्नमेंट स्कूल्स को का स्ट्रक्चर सही करें। और उसके अलावा जो जस्टिस सदाशिव कमीशन रिपोर्ट है इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हो, और रिलीज कांताराज कमीशन रिपोर्ट इसके ऊपर भी इम्प्लीमेंट हो, और इसके ऊपर तकरीबन 200 करोड़ से ज़्यादा इसको ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर चर्चा किया गया था, लेकिन अभी तक इसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ है, तो इस पर भी काम होने का हम डिमांड करते हैं। उसके अलावा जो आदिवासी हैं, ट्राइबल लोग हैं, उनके लिए अलग से वेलफेयर प्रोग्राम किया जाए। उसके अलावा जो लोकल बॉडी गवर्नमेंट है, आज हम देख सकते हैं कॉरपोरेशन के इलेक्शंस होकर इतने दिन हो गए, एक तो लेट हुआ, उसके बाद मेयर बनाने के लिए इतना टाइम लग रहा है इन लोगों को और आगे बढ़ाते जा रहे हैं। तो उसके अलावा इसके अंदर जो पंचायत है, तालुक पंचायत, म्यूनसिपालिटीज़ वगैरह को, जो लोकल गवर्नमेंट को
जो चीज़ें मिलनी है, जो रिसोर्स, जो टैक्स वगैरह जो लोकल कलेक्ट होता है उसके ऊपर भी सही तरीके से काम नहीं हो रहा है। तो लोकल बॉडी गवर्नमेंट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसको और मजबूत करने की ज़रूरत है, हमारी ये डिमांड है। उसके अलावा पूरे स्टेट के अंदर हम देखते हैं कि लगातार कम्युनल हारमोनी डिस्टर्ब हो रही है, तो इसके लिए पीस एंड हारमोनी के लिए एक कमेटी फॉर्म किया जाए और उसके लिए 1,000 करोड़ रुपीज़ रिजर्व किया जाए उस बजट को। उस बजट को ये अलग अलग प्रोग्राम्स के ज़रिए से पीस एंड हारमोनी मेंटेन करने के लिए उसके ऊपर काम किया जाए। तो हम समझते हैं कि पूरे स्टेट के अंदर पीस एंड हारमोनी बाकी रहेगा। उसके अलावा एम्प्लॉयमेंट के अंदर हम लोग यहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट की बड़ी बड़ी बातें की थी सरकार, लेकिन टोटली फेलियर है। जैसा कि आप जानते हैं नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत हमारे स्टेट के अंदर बहुत ज़्यादा लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। तो उसको हम चाहते हैं कि हर एक घर से एक फैमिली मेंबर गवर्नमेंट ऑफिस गवर्नमेंट में काम करें, और साथ ही साथ इसके लिए जो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं उन लोगों के लिए अलग अलग स्कीम के ज़रिए से गवर्नमेंट उनको एम्प्लॉय करे, और प्राइवेट सेक्टर में भी उनको रिजर्वेशन, हमारे स्टेट के लोगों को रिजर्वेशन देने की बात करें। उसके अलावा 30% हम लोग प्राइवेट कॉरपोरेट कंपनीज़ और एनजीओ, इकोनॉमिक पुअर जो लोग हैं उन लोगों के लिए यहां पर रिजर्व करें, और साथ ही साथ बैकवर्ड क्लासेस एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के लिए भी 30% रिजर्वेशन प्राइवेट सेक्टर में दे, ये हमारे डिमांड है। अब जो सरकार फार्मर्स को लोन का जो लोन दी है उसको इमीडिएटली वेव ऑफ करें, लोन जो भी मिला है वो पूरा माफ़ करें। और उसके अलावा जो एग्रीकल्चर के अंदर बहुत सारे जो ब्रोकरिंग सिस्टम चल रहा है उसको रोका जाए। उसके अलावा लोन को सिंप्लीफाई किया जाए, अगर कोई अमीर लोन लेने जाता है तो उसको बहुत आसानी से मिल जाता है, लेकिन एग्रीकल्चर करने वाले फार्मर्स को नहीं मिलता और बहुत सारे कंडीशंस लगाकर उनको दिया जाता है। आखिरी में कर्नाटका में ऐसे कई सारे मौत लगातार किसानों की हो रही है, तो इस पर भी हम लोग यहाँ पर डिमांड किए हैं। उसके अलावा एग्रीकल्चर के अंदर हम लोग डिमांड किए हैं जिनके पास लैंड नहीं है उन लोगों को 2 एकड़ लैंड सरकार की तरफ से दी जाए ताकि वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी करें जिसके अंदर बैकवर्ड क्लासेस और माइनॉरिटीज़ रहे, तो इन लोगों को एग्रीकल्चर लैंड दिया जाए। उसके अलावा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द नजगुंडा कमीशन एंड सरोजिनी महिषी कमीशन, इसको भी इम्प्लीमेंट करने की हम सरकार से डिमांड करते हैं। और उसके अलावा राजेंद्र सचार कमीशन की, जो रंगनाथ मिश्रा कमीशन की जो रिपोर्ट है उसको भी डिले करें ना करते हुए इमीडिएटली इम्प्लीमेंट करें, हम सरकार से ये डिमांड करते हैं। और सरकार का ये हमेशा से कहना था और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का ये कहना था कि हम लोग यहाँ पर हटलेस स्टेट बनाएंगे और बहुत सारे लोगों को उनको घर प्रोवाइड करेंगे, ये सरकार का कहना था, लेकिन सरकार ने वो वादा पूरा नहीं किया। तो हम लोग ये डिमांड करते हैं कि सभी को छत देने का प्लान सरकार की तरफ से हो हाउसिंग एंड सर्विस के तहत। उसके अलावा लेबर वेलफेयर में बहुत सारे लेबर एंड अनऑर्गेनाइज्ड लेबर सेक्टर्स के अंदर सरकार बहुत सारे स्कीम्स को वेव ऑफ करी है, बहुत सारे स्कीम्स को सेंट्रलाइज करी है, तो इसको इमीडिएटली डिसेंट्रलाइज किया जाए और तमाम जो लेबर्स हैं, चाहे वो ऑटो ड्राइवर्स हो, चाहे वो तमाम जितने भी लेबर्स हैं, उन तमाम लोगों के लिए एक अलग से बजट बनाया जाए और 500 करोड़ बजट उनके जो हेल्थ और इंश्योरेंस के लिए उनके लिए रखा जाए, ये हमारा डिमांड है। और उन लोगों के लिए अलग से ट्रांसपोर्ट और ऑटो टैक्सी ड्राइवर्स के लिए 500 करोड़ का बजट बनाया जाए, ये हमारा डिमांड है। उसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, जो पावर एनर्जी है, उसके बारे में भी हमारा ये डिमांड है कि यूनिट्स, कुछ यूनिट्स स्टेट के जितने भी लोग हैं उन लोगों को कुछ यूनिट्स माफ़ किया जाए और टैक्सेस भी उसके अंदर कम किया जाए, ये हमारा डिमांड है। उसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन के अंदर सरकार को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा रिवेन्यू जनरेट करें और उसको सही तरीके से यूटिलाइजेशन करें और हर विलेज तक हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन है वो ईजीली हो ताकि हमारे स्टेट का डेवलपमेंट अच्छे से हो। और जो स्टूडेंट्स को बस पास दिया जा रहा है वो बस पास के अंदर भी फ्री करें या फिर उसके चार्जेस कम करें, ये हमारा डिमांड है। और कॉरपोरेशन बोर्ड जो है, जो उसके अंदर भी हमारा 500 करोड़ का एक बिलावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन
तो उसको यूथ को डेवलप करने के लिए, उनके जो पर्सनल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए या फिर उनके एजुकेशन के लिए वहाँ पर भी रिजर्व किया जाए, ये हमारा डिमांड है। और वुमेन एंड चिल्ड्रन वेलफेयर डिपार्टमेंट के तरफ से हमारा ये डिमांड है कि टोटली सरकार स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग्स, स्किल ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ और बच्चों के लिए अलग अलग फैसिलिटीज़, ये चीज़ें प्रोवाइड करें, ये हमारा डिमांड है। और नेचुरल डिज़ास्टर, आए दिन हम देख रहे हैं कि जो कोस्टल एरिया है वहाँ पर लगातार नेचुरल डिज़ास्टर्स आ रहा है, तो उसके लिए 3,000 करोड़ रुपीज़ रिजर्व किया जाए और उसके ऊपर काम किया जाए, ये हमारा डिमांड है। और इमरजेंसी मेजर्स के तहत जो एसेंशियल कमोडिटीज़ है उनके ऊपर जो प्राइस हाइक हो रहा है उसको इमीडिएटली सरकार रोकें और उस प्राइस हाइक को ना बढ़ाएं। और उसके अलावा ओवरऑल बजट के स्टैंडर्ड्स हमारा ये है कि ये बजट गरीबों के हक़ में होना चाहिए, गरीबों के ख़िलाफ़ नहीं होना चाहिए, और अमीरों को खुश करने के लिए ऐसा बजट ना बनाए। और सरकार का हम देख सकते हैं टोटल 24% ऑफ कर्नाटक का टोटल एनुअल इनकम जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, 24% लगातार बार बार लोन ले रही है सरकार। तो सरकार जो लोन ले रही है उसको ट्रांसपेरेंसी करें और किन किन चीज़ों पे खर्चा कर रही है उसको भी आवाम के सामने लाएं और पब्लिक के सामने लाकर उसके ऊपर बात करें। और जो स्टेट के अंदर जितने भी बैंक्स हैं, जो नॉर्थ इंडिया के जो बैंक हैं, उन लोगों के साथ मर्ज ना होने दें ताकि ये इंडिविजुअली काम करें पूरे स्टेट के अंदर, उसके ऊपर भी गौर करें। और उसके अलावा टैक्स के अंदर ये हमारा डिमांड है, जो GST जो सरकार लाई है सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसकी वजह से स्टेट को टैक्स बहुत ही कम मिल रहा है, रिवेन्यू बहुत ही कम जनरेट हो रहा है, तो हम चाहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट इसको सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करके इसको रोकें और साथ ही साथ GST के अंदर कटौती करें और यहाँ के लोगों को आसानी करें ताकि वो आसानी से अपनी लाइफ गुजार सके और स्टेट के अंदर रिवेन्यू जनरेट हो, जिससे नए नए प्रोग्राम्स बने, यही हमारा डिमांड है। तो आज हम लोग ये डिमांड लेकर तकरीबन हम लोग 15 दिन से तमाम कर्नाटका के जितने भी MLAs हैं, MPs हैं और जो गवर्नमेंट सेक्रेटरीज हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज हैं, चीफ मिनिस्टर और तमाम लोगों को हम खुद मुलाकात करके इसका एक बुकलेट हम बनाकर उनको दिए हैं और उनसे डिमांड किए हैं कि इसके ऊपर काम करें ताकि कर्नाटका की आवाम आसानी से अपनी लाइफ गुजार सके।